टी20 वर्ल्ड कप में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां ये खबर सामने आई थी कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बैक इंजरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कहा कि हमने इस बात को डिनाई नहीं किया है कि बुमराह वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, फिंगर्स क्रॉस। बड़ी बात यह है कि इस बीच मांग उठी थी कि एक्सप्रेस बोलर उमरान मलिक को आखिरकार ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ले जाया जा रहा। दरअसल आपको बता दें कि उमरान मलिक वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में खबरें ये हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड कप ले भी जाया जाता है तो बैकअप में दो तेज गेंदबाजों को ले जाया जा सकता है जिसमें मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है, साथ ही उमरान मलिक का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर होते हैं तो उमरान मलिक को टीम में शामिल किया जा सकता है, यानी कि उमरान मलिक अब सीधा यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं क्योंकि भारत के पास सिर्फ 4 तेज गेंदबाज है, ऐसे में भारत 3 तो खिलाएगा ही, एक एक्सप्रेस बॉलर भारत को चाहिए होगा तो वो या तो सिराज होंगे या बुमराह होंगे या फिर उमरान मलिक होंगे। ऐसे में खबरें यही चल रही हैं कि फिलहाल उमरान मलिक को भी वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहने को कहा गया है और अगर वो वर्ल्ड कप की टीम में हिस्सा नहीं भी लेते हैं तो भी वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि अभी बुमराह की चोट पर टीम मैनेजमेंट और जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है वो नजर बनाए हुए है। अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन अगर बुमराह फिट नहीं होते तो फिर वो टीम से बाहर चले जाएंगे और फिर वो दूसरे खिलाड़ी को मौका देंगे जिसमें उमरान मलिक को टीम में शामिल किया जा सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।